कहाँ जाओगे आप, स्वर्ग या नरक? नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि मौत कुछ नहीं है, हार के जीना ही मौत है। ये सच है कि अगर आप पूरी तरह से जी ना सको तो वो जीना हार के सिवाय कुछ भी नहीं है। अंतिम यात्रा सिखाती है कि आपके अपने, जिनके लिए आपने जीवन भर बहुत सा धन इकट्ठा किया, वही सबसे पहले आपको दफना देंगे। फिर वही सबसे पहले शमशान घाट या कब्रिस्तान में आपको छोड़कर अपने घर की ओर चले आएंगे। यहां तक कि वो आपकी अंतिम संस्कार की क्रिया को पूरा होने तक का भी इंतजार नहीं करते। वो तो आपके शरीर को पूरी तरह से जलने का भी इंतजार नहीं करते। ये मानवीय प्रकृति है जो हमें सिखाती है कि एक बार अगर आप इस दुनिया से गए तो आपको भुला दिया जाएगा, चाहे कुछ महीनों में, कुछ सालों में या सदियों में। हाँ, कुछ लोग भले ही आपके कुछ काम को याद कर सकते हैं, पर आपका पूरा जीवन भुला दिया जाएगा। इस दुनिया में लाखों ताकतवर लोग आए जिन्होंने दुनिया पर राज किया, मगर समय के साथ उन्हें भी भुला दिया गया है। एक बार जीवन गया तो कुछ भी नहीं बचता है, ना आपके अच्छे कर्म को याद किया जाएगा और ना ही आपके बुरे कर्मों को। आप सिर्फ इस जीवन को जिए, मौत के बारे में ना सोचे। याद रखे, या तो सिर्फ शांति रह जाती है या फिर शोर। जहां शोर है वहां शांति कैसे रह सकती है? आप अपने अंदर झांके, आपके अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा, बाहर कुछ भी नहीं है। खुशी असंभव है, क्योंकि एक बार आपको खुशी मिल गई तो आपकी इच्छा और खुशी पाने की हो जाती है। आपका मन करता है कि आपको और खुशियां मिले, क्योंकि जीवन का महत्वाकांक्षी चक्र हमेशा चलता ही रहता है, जो कि कभी नहीं रुकता। जीवन का सुख पाने के लिए इंसान अक्सर गलत तरीकों का इस्तेमाल करता है। ये सब गलत तरीके अपनी खुद की कब्र खोदते हैं। इन्हीं रास्तों पे चल के इंसान जल्दी शमशान तक पहुंच जाता है। आप जब तक जिंदा है सिर्फ जिंदगी जिए,
ज्यादा धन कमाने की लालसा में जीवन के अमूल्य पलों को मत गवाइए। आप अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने पति या पत्नी के बारे में ज्यादा मत सोचिए। आपके मरने के कुछ ही घंटों के बाद यही लोग सबसे पहले आपकी कब्र खोद देंगे। और आपकी संपत्ति के पीछे ये सभी आपस में लड़ पड़ेंगे। इन्हीं में से कुछ औलादें अपने पिता को कहती है कि मुझे तो पिता ने कम दिया, कुछ कहती है मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। पत्नी भी कह पड़ती है कि मुझे जीवन में कुछ भी नहीं मिला। अक्सर मरने के बाद आपके धन का बंटवारा हो जाता है, आपकी अच्छाइयों का नहीं, आपकी सीख का नहीं, आपकी बातों का नहीं, सिर्फ आपका धन याद रह जाएगा, आप नहीं। इसीलिए आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी गलत कार्य करने की। आप सिर्फ परम सुख की खोज करें, परमानंद ही आपको शांति देगा। मृत्यु यही संदेश देती है कि मृत्यु को समझे, ये जानते हुए भी कि मौत के बाद कुछ भी किया नहीं जा सकता, फिर भी लोग मौत से डरते हैं। वास्तव में ये सही मायने में मौत का डर भी है या नहीं? ये सही माने में मौत का डर नहीं है, डर इस बात का है कि भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए, डर इस बात का है कि आप अपना जीवन अकेले कैसे व्यतीत करोगे। अगर आपके किसी निजी की मौत हो जाए तो आपका जीवन कैसे व्यतीत होगा? एक बेटा डरता है कि वो अपनी मां बाप के बिना कैसे रह पाएगा, उसे कौन पालेगा, और डर लाजमी भी है क्योंकि कोई भी किसी बच्चे को उसकी मां बाप जैसा प्यार नहीं दे सकता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। जो प्यार आपको अपने परिवार के लोगों से मिलता है वो किसी और से नहीं मिल सकता। एक भाई का प्यार भाई से ही मिल सकता है, एक पत्नी का प्यार पत्नी से ही मिल सकता है। इस तरह एक पति का प्यार पति से ही मिल सकता है। और यही सभी चीजों और अपनों को खोने का गम हमें मौत से डराती है। इसी सब बातों से हमें मौत का डर लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस डर से हम कैसे बाहर निकलें, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि हम
इस डर से वाकई में बाहर निकल सकते हैं कि नहीं? इसका सबसे आसान जवाब है कि सबसे पहले हमें जीवन को समझना होगा, और अगर हमने जीवन को समझ लिया तो हम मौत को भी समझ लेंगे। जीवन यानी जिंदगी एक नदी की तरह, निरंतर बह रही है, ये कभी रुकती नहीं है और हर पल बदल रही है। हम सब बढ़ते चले जा रहे हैं, परिवर्तन और मौत प्रकृति का नियम है, परिवर्तन और मृत्यु कुदरत का नियम है, परंतु मृत्यु अंत नहीं है और ना ही शुरुआत। आपको मौत से डर लगता है क्योंकि आपको इस तरह से बताया है और समझाया गया है जैसे कोई आपकी परीक्षा का परिणाम हो। धर्म ने मौत के बाद की घटनाओं को एक बड़ा सा व्यर्थ का नजरिया दे दिया है। धर्म ने मौत के बाद बेवजह स्वर्ग और नरक को आपके जीवन में शामिल कर दिया है। अब इसी बात का डर लगा रहता है कि आप स्वर्ग जाएंगे या नरक।